बा। जुगाड़ू ट्रैक्टर चलावे मजा आवता। बहुत बढ़िया ट्रैक्टर भाई, बड़ा निमन बा भाई, बड़ा बढ़िया चलाता है, घुमाता है। एक लीटर में 10 घाटा खूब आराम से जोते। एक लीटर में 10 घाटा? हाँ जी, एक लीटर में 10 घाटा खूब आराम जोते। विश्व में भारत एक जुगाड़ू देश बोला जाता है, उसी भारत के हम लोग बिहार राज्य के सिवान जिले के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मस्थली में हम लोग आए हुए हैं। जन्मस्थली क्षेत्र है जीरादेई का, और यहाँ पर देख सकते हैं एक किसान के द्वारा यहाँ पर जुगाड़ पर छोटा ट्रैक्टर बनाया गया है जो खेत की जुताई भी करता है। और यहाँ पर देख सकते हैं इंजन वगैरह लगाकर अच्छा से सेटिंग करके 4-5 फार लगाकर अच्छा खासा यहाँ पर ट्रैक्टर तैयार किया गया। इसमें जो भी आप देखेंगे सब जुगाड़ पर फार भी जो है वो भी जुगाड़ पर बना है। यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा खासा जुताई भी कर रहा है, फार भी लग रहा है, थोड़ा दिखाइए। यहाँ पर अच्छा खासा जुताई कर रहा है, फार भी अच्छा खासा, मिट्टी को अच्छा खासा जितना चाहिए उतना कोड़ दे रहा है, बीज के लिए जितना चाहिए उतना। इस समय बारिश का टाइम है, पानी से मिट्टी थोड़ा भीगा भी है, फिर भी भीगने के बाद भी इस छोटे से जुगाड़ू ट्रैक्टर द्वारा यहाँ पर जुताई सफल पूर्वक कर दिया जा रहा है। ए बाबा, ए बाबा, जुगाड़ू ट्रैक्टर चलावे मजा आवता। बहुत बढ़िया ट्रैक्टर भाई, बड़ा निमन बा भाई, बड़ा बढ़िया चलाता है, घुमाता दाहिने खाली दाहिने। रहुओ खातिर बुक हो जाओ, हमरो खातिर वो ट्रैक्टर भी खो जाओ, हमरो खातिर रह देता है, देखी का लोड लेता है। आराम से, आराम आराम से, बड़ा बढ़िया बा, बड़ा बढ़िया बा, मजेदार ट्रैक्टर बा, ऐसा लोग के खरीदे के चाहिए। हमरो एगो चाहिए, हमरो एगो एगो ट्रैक्टर हमरा चाहिए एगो। हाँ बड़ा देखी खेत जोता रहा सही, खेत तमाम खेत जोता गए, बढ़िया जोताई करता, बढ़िया जोताई करता, बड़ा मजा बा चला में, बहुत मजा आता ट्रैक्टर के चला में। आप बढ़िया जोताई बा, बड़ा सुंदर ट्रैक्टर बा, ऐसा ट्रैक्टर बने के चाहिए। काहे के जुगाड़ से बनल बा, सबसे बड़ा बात बा कि कम खर्चा में बढ़िया ट्रैक्टर बनल बा, ऐसा ट्रैक्टर के अपना छोटा मोटा किसान के जरूरत बा ऐसा ट्रैक्टर के। कने रोकी थी, रोकी रोकेम रोकेम रोकेम। अब रुक गया, अब ट्रैक्टर रुक गया, जिसका सामान होता है वही हैंडल करता है। बाबा तो चढ़ गए हॉट सीट पर लेकिन रोक नहीं पा रहे थे, मजा आ गया। अच्छा बा, रुकला सना हमरा से। हाँ। लेकिन अनी यहाँ के जो ओनर बनी ट्रैक्टर के वहाँ के रोकनी है, बड़ा बढ़िया ट्रैक्टर बा, सहूलियत बा, आ थोड़ा सा में मॉडिफाई के जरूरत बा, हम चाचा से कह के थोड़ा करके मॉडिफाई करी। हाँ, बहुत बढ़िया रहुआ जुगाड़ लगौले बनी, और अपना भारत में तो जुगाड़ से का चीज बन गई बा, आज देश में देखे वाला बात बा। हाँ। और वो बिहार है, डॉक्टर राजेंद्र बाबू के धरती है। हाँ। वो धरती पर एगो किसान यहाँ के बानी, आ वहाँ के एगो जुगाड़ लगा के ट्रैक्टर बनौल बन, देखिए मामूली एगो छोटा सा पंपी सेट। चाचा कितना कितना का इंजन भाई? 3.5 के इंजन से यहाँ के बनाओ तनी ट्रैक्टर, और बड़ा बढ़िया जोतल बा। हम साहब कैमरा में से दिखाएं कितना सुंदर जोताई, मतलब कि कैले बनी हम तो नहीं कैले, कैले बा ट्रैक्टर है लेकिन बढ़िया जोताई भइल बा। छोटा मोटा किसान खातिर ऐसा ट्रैक्टर जरूरत बा मंदर बाबू। अच्छा पहले बार हुआ चढ़नी है तो अच्छा खासा चला लेनी है, एकरा के माने सब समझ में आ गई? सब समझ में आ गई, लेकर सब इजी बाटे में कोनो बहुत सिस्टम लेके से पहली बार चढ़ल बनी हम तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, लेकिन एकरा में ब्रेक बा, एक्सीलेटर बा, क्लच बा, सारा सिस्टम बा। अच्छा बिहार सरकार अगर किसान के अच्छा से सपोर्ट करे तो किसान बिहार के बहुत कुछ कर सकेला। किसान बिहार के बहुत कुछ कर सकेला, बिहार के युवा बहुत कुछ कर सकेला, लेकिन सरकार के तरफ से कोनो प्रकार के सपोर्ट नहीं के, थोड़ा रिस्पॉन्स ना मिले, नहीं ना मिलेला रिस्पॉन्स, सपोर्ट थोड़ा बहुत बढ़लो बात ओकरा में कमीशन इतना देते देते बैंक के सारा प्रक्रिया पूरा करत करत किसान युवा थक जाइए, उनका कोनो सरकारी मदद ना मिले। जाना के वजह बा कि चाचा अपना निजी लागत से ट्रैक्टर बनौले बनी, और बेहतरीन ट्रैक्टर बा, हम चाहब कि सरकार के मदद करे के चाहिए चाचा के, ताकि चाचा अपन जो आइडिया लगौले बनी, देखी सबको लगे पैसा वाले लेकिन ऐसा आइडिया क्यों नहीं लगा सकत, और चाचा ये आइडिया लगा के ट्रैक्टर बनौले बनी। बहुत बहुत धन्यवाद बा। वो 3 पहिया के ट्रैक्टर बा, आगे एगो पहिया बा, पीछे 2 पहिया बा, और टोटल जुगाड़ बा में हमारा बजे के चाचा कोनो चीज किनले ना होके, टोटल अपने हाथ से सब चाचा बनौले बनी, ई बहुत बड़ा बात बा। गियर वर किन के लगौले बनी, सारा देखी कि बेल्ट सिस्टम पर आधारित बा, थोड़ा सा चाचा मॉडिफाई करे तो ट्रैक्टर बहुत बेहतरीन हो जाए, बहुत देख सकते हैं। जिस हिंदुस्तान में किसानों पर लाठियां बरसाया जाता है और जिस बिहार में लाठियां बरसाया जाता है, किसान अपने मांग को लेकर जाते हैं तो लेकिन उचित मुआवजा इन लोगों को नहीं मिल पाता है, लेकिन किसान के दिमाग का अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो ऐसे ऐसे कई आविष्कार हो सकते हैं। इंजन इंजन कितने का? इंजन 3.5 का। कितने का पड़ता है ये आपका इंजन? हम तो जनरेटर साइड में
खरीदे हुए थे 22-23 हज़ार में जनरेटर सहित था, अभी अगर मार्केट में क्या रेट है वो पता करना पड़ेगा। अभी तो मैंने 20-25 हज़ार होगा, और यहाँ पर जोड़ा जाए तो इसमें जो दिख रहा है लोहा उग्रह सब 1 से 1.5 लाख खर्चा है। हाँ, 1.5 से 2 लाख रुपया कम से कम लगभग खर्चा आएगा। इसको मोडिफाई अगर किया जाएगा, अच्छे तरीके से बनाया जाएगा, चक्का अच्छा लगाया जाएगा, फार अच्छा लगाया जाएगा, हर चीज तरीके से बनाया जाएगा, तब जाकर 2-2.5 लाख खर्चा आ जाएगा आएगा। हाँ, ये हवा वाला टायर रहेगा, इसी के साइज का हवा वाला गोटी से कंपनी से करके बनवाना पड़ेगा, बनवा करके हल्का रिंग रहेगा, वो रहेगा तो बहुत मस्त चलेगा। अगर इसी पर अगर कोई मांग करते हैं तो ये थोड़ा गोटी देखिए चक्का भी स्लिप कर रहा है, स्लिप कर रहा है, वो गोटी के अगर नजदीक नजदीक हो गया है उसको, और थोड़ा डिस्टेंस दूरी चाहता है, इसका दूरी चाहता है, एक एक निकालने का खोजता है, तब जाकर के वो स्लिप नहीं करेगा, स्लिप नहीं करेगा तो और बेटर जोतेगा। इंजन भी कमजोर है, इसको अच्छी तरह से मॉडिफाई करना पड़ेगा। ज्यादा दिन उसीलिए खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा, बढ़ जा रहा है। अब देख सकते हैं अच्छा खासा जुगाड़ पर यहाँ पर ट्रैक्टर ये बना दिए हैं, चक्का देख सकते हैं, ये तो ट्रैक्टर का चक्का है, लेकिन ये जो चक्का बनाए हैं अपने डिजाइन से बनाए हैं, वेल्डिंग कर उड़ के यहाँ पर देख सकते हैं पूरा यहाँ पर। अरे हैंडल है जीप वगैरह का हैंडल है, ट्रैक्टर का हैंडल है, ट्रैक्टर का हैंडल है, कबाड़ से लेकर के लेके के लगाए हैंडल है, और यहाँ पर छोटा सा इंजन लगा दिया गया है, और जो फार भी बनाया गया है ये भी अपने दिमाग से वेल्डिंग करके बनाया गया है, खरीदा नहीं गया है। पाइप से थोड़ा थोड़ा काट करके थोड़ा भाज बनाना है, काट के थोड़ा सा बैंड करके, मेरे पास तो बैंड मशीन है नहीं तो क्या करे, मशीन टूल्स भी नहीं है ना, टूल्स सिर्फ एक वेल्डिंग मशीन है, ग्राइंडर मशीन है, उसी से हमने ये सब बनाया है। अच्छा, कोई अगर बनवाना चाहे, कोई लेना चाहे तो कितने में देंगे? कोई लेना चाहे तो अभी इसको बना करके कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि वाजिब खर्च हम लोग कितना जा रहा है, इसमें हमारा लेबर खर्च कितना है, इंजीनियरिंग खर्च कितना है, और हमारा कितना खर्च है, बिजली खर्च, ये सब जोड़ डाल करके निकालना पड़ेगा, इसको रेशियो निकालना पड़ेगा, एक्चुअल हमको कितना में चाहिए, अगर मांगा है कि नहीं। अभी तो मांगने के लिए तो लोग मांगे हैं, ये सब बात नहीं है, बोले कि हम लेंगे, इससे पहले जो एक मीडिया ले आए थे वो ये क्या हकीकत न्यूज वाले, तो वहाँ पे एक कस्टमर भी खड़े हुए कि हम ले लेंगे, इतना में बनना चाहिए, सपोर्ट भी किए, अब देख सकते हैं जो छोटे आते हैं बनवाने के लिए, लेकिन हम कहते हैं कि अभी नहीं, अभी हमको पैसा मिल जाए थोड़ा, तो टूल वगैरह ले लें, बनाने का आइडिया बना लें, कुछ पैसा आ जाए तब उसके बाद हम हाथ लगाएंगे, तो किसी कोई बोलेगा तो उसका भी हम बनाएंगे, बनाने ही के लिए। तो नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम विनोद कुमार प्रसाद है, जैसे विनोद पटेल लोग कहते हैं। इस समय हम लोग राजेंद्र प्रसाद के धरती पर खड़े हैं, जीरादेही थाना क्षेत्र है, और इसमें देख सकते हैं कितना अच्छा मॉडिफाई, कितना अच्छा यहाँ पर छोटा ट्रैक्टर बनाया गया है। अगर छोटा किसान होगा तो इसे लेकर अपना खेत में खेती कर सकता है आराम से, दूसरे के ट्रैक्टर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वैसे इस समय जुताई महंगा हो गया है, डीजल महंगा होने के चलते, ये छोटा सा ट्रैक्टर है, कितना खर्चा आता है इसमें एक कट्ठा की जुताई? एक लीटर में 10 गाठा खूब आराम से जोते हैं, एक लीटर में 10। हाँ जी, एक लीटर में 10 गाठा खूब आराम से, क्योंकि ये तो ये जो अभी इंजन है 100 रुपया में 10 गाठा। हाँ जी, अगर हम 10 का इंजन लगाएंगे चाहे 8 का इंजन लगाएंगे तो 1 घंटा में 1 लीटर वो खाता है, 1 घंटा में 1 लीटर खाता है, 1 घंटा में ये 10 कट्ठा खेत खूब आराम से घूम देगा, खूब आराम से जोत सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 लीटर में 100 रुपया में आप 10 कट्ठे की जुताई कर सकते हैं, अच्छा खासा बचत है इस महंगाई में। चलिए इसी के साथ में मनिंदर सिंह, दबंग 24 से, धन्यवाद।